और अब एक नजर T20 लीग से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर। तो आज के मैच में एक बार फिर निगाहें राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन पर होंगी। संजू ने पिछले मैच में शानदार शतक लगाया था, जो इस सीजन का अब तक का सबसे इकलौता शतक है। आज का मैच दोनों ही टीमों के लिए कांटे की टक्कर जैसा है। अब तक T20 लीग में दोनों टीमें 22 बार लड़ी हैं और 11-11 बार दोनों ने मैच जीते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने सीजन की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत के साथ की थी। दिल्ली ने पिछले मैच में चेन्नई को 7 विकेट से हराया था। राजस्थान रॉयल्स को पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछले मैच में 4 रन से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि राजस्थान ने 221 रन के जवाब में धमाकेदार 217 रन जरूर बनाए थे। राजस्थान और दिल्ली में दोनों ही टीमों पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव होगा। पहले सीजन में खिताब जीतने के बाद से राजस्थान के हाथ खाली हैं, जबकि दिल्ली को तो पहले ही खिताब का इंतजार है। इससे पहले बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 6 रन से हरा दिया। आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद को सिर्फ 150 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन हैदराबाद की टीम 143 रन ही बना पाई। आरसीबी की जीत में हीरो बने थे शाहबाज अहमद। शाहबाज अहमद ने एक ही ओवर में हैदराबाद के जॉनी बेस्टो, मनीष पांडे और अब्दुल सामद का आउट विकेट लिया। और पहले हफ्ते की पॉइंट टेबल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम पहले पायदान पर है। दिल्ली कैपिटल्स की दूसरे और मुंबई इंडियंस तीसरे नंबर पर है। बात ऑरेंज और पर्पल कैप की करें तो ऑरेंज कैप पर केकेआर के नीतीश राणा का दावा बरकरार है, जो सीजन में 137 रन बना चुके हैं। पर्पल कैप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हर्षल पटेल के कब्जे में है, वो 7 विकेट ले चुके हैं। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।